आप कौन हैं? मैं कौन? हमें किसकी प्रतीक्षा थी? मैंने तो महादेव का आह्वान किया था। महादेव तो सर्वत्र है, सर्वव्यापी है। उनके आह्वान की आवश्यकता नहीं, उनके आगमन की भी आवश्यकता नहीं होती। महादेव को तो केवल पाया जा सकता है शिला में, शिवलिंग में, वृक्ष में, पत्तियों में, मिट्टी में, कण कण में उपस्थित है महादेव। यदि पहचान लोगी उन्हें तो पा भी लोगी। आपके लिए ये सब कहना सरल है। यदि आप मेरे स्थान पर होते तो आपको ज्ञात होता कि जो सत्य जानते हैं वो कभी अधीर नहीं होते, कभी विवेक नहीं खोते। और सत्य क्या है? सत्य वही है जो शाश्वत है, जो कभी परिवर्तित नहीं किया जा सकता। परिवर्तित होता है तो केवल व्यक्ति का दृष्टिकोण, और उसी के कारण व्यक्ति सत्य को सहजता से स्वीकार कर पाता है। किंतु मेरा सत्य महादेव की प्रतीक्षा ही है। मैंने कहा ना कुमारी की, जो पहले से ही उपस्थित हो उसकी प्रतीक्षा नहीं की जाती। इस सत्य को स्वीकार करने के लिए सर्वप्रथम तुम्हें अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना होगा। किंतु तुम प्रमाण चाहती हो, है ना? तुम स्वयं अपना सत्य निर्मित करना चाहती हो कुमारी, नियंत्रित करना चाहती हो उसे अपनी इच्छा अनुसार। जिसे आप सत्य कहते हैं मैं उसे ही सत्य मानकर स्वीकार क्यों कर लूं? मेरा सत्य यदि मेरे प्रेम की पूर्णता है तो है। क्यों इस भक्त को उसके भगवान प्राप्त नहीं हुए? क्योंकि तुम्हारी भक्ति में तुम्हारा मैं प्रबल था। मुझे क्या मिला, मुझे क्या नहीं मिला? मैंने ये किया, मैंने वो किया, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। तुम कभी भी ये नहीं समझ पाए रावण कि भक्ति का अर्थ विनिमय करना नहीं होता, और ना ही भक्ति में किए गए कर्मों की गणना की जा सकती है। भक्ति की अवधि पारितोषिक पे आश्रित नहीं होती है रावण, ना ही भक्ति कभी संपूर्ण होती है।